Hello guys and welcome, this is BBoard and you are watching our video of weekly current affairs. और guys आज के इस वीडियो में हम 4th अक्टूबर से लेकर 9th अक्टूबर तक के current affairs discuss करेंगे. और हमारी free content या doubt room या job notification के लिए guys आप हमारी app BBoard को Google Play Store से download कर सकते हैं, या फिर हमारे free content PDF के लिए आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं. तो चलिए आज का session start करते हैं. And guys our first question is कि when does World Animal Day is celebrated, यानी कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 4th अक्टूबर. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो पूरे विश्व में गाइज 4th अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है. ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि सारी दुनिया में जानवरों के भले के लिए और उनके वेलफेयर के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है. और इस दिन का जो मेन फोकस है गाइज, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है, जो प्रजातियां मिट रही हैं और उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनके प्राकृतिक आवास को और जानवरों के कल्याण के रक्षा के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ताकि उनकी रक्षा को, उनके वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके. और ये दिन जो था गाइज वो 1931 में इटली के फ्लोरेंस में स्टार्ट हुआ था. ये स्टार्ट क्यों हुआ था, क्योंकि जो ऐसी प्रजातियां जो कि खतरे में हैं या जो लुप्त हो रही हैं, तो उनकी संकटमयी स्थिति को उजागर करने के लिए यह दिन शुरू हुआ था. तो आगे बढ़ते हैं गाइज हमारे अगले सवाल की ओर. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच मिनिस्ट्री वॉन स्वच्छता ही सेवा अवार्ड. तो किस मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अवार्ड जीता है. एंड गाइस करेक्ट आंसर इज रेलवे मिनिस्ट्री. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइस रेलवे मंत्रालय को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से नवाजा गया. और ये पुरस्कार जो है उन्हें गाइस वो स्वच्छता पखवाड़े के तहत दिया गया है. और स्वच्छता पखवाड़े में जो उनका योगदान है, उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान जो है उसके लिए दिया गया है. और ये पुरस्कार जो है गाइज वो स्वच्छ भारत मिशन की चौथी सालगिरह पर रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था. और स्वच्छता ही सेवा गाइज मैं आपको बता दूं कि ये अभियान 2017 में शुरू किया गया था. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन डज एशियन बैंक सैंक्शन टू नेपाल. कितनी धनराशि का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल को सैंक्शन किया है. एंड गाइज इसका करेक्ट आंसर है $180 मिलियन. तो लेट्स नो मोर अबाउट इट. तो गाइज एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने नेपाल को उसके 1000 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट हाईवे का जो राजमार्ग है उसको अपग्रेड करने के लिए या उसको सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल को $180 मिलियन का एक सॉफ्ट लोन की मंजूरी दी है गाइस. सॉफ्ट लोन क्या होता है गाइस, सॉफ्ट लोन उसे कहते हैं जिसका जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर लोन, तो वो कंपेरेटिवली कम होता है इसका. ये जो प्रोजेक्ट है गाइस, ये जो है वो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर कंचनपुर और कमला के बीच के लगभग 87 किलोमीटर के रोड को या उस सड़क को उसमें सुधार करेगा और उसका पुनर्वास करेगा. और गाइज इससे होगा ये कि जो नेपाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी जो है या उसकी दक्षता जो है वो बढ़ेगी और इम्प्रूव होगी. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डज वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड. तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है. एंड गाइस करेक्ट आंसर इज October 5. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइस विश्व शिक्षक दिवस, जिसे इंटरनेशनल टीचर्स डे भी कहा जाता है, वह हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है. और ये जो दिन है गाइस इंटरनेशनल टीचर्स डे, ये 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में एक कॉन्ट्रैक्ट में या एक पैक्ट में, जिसको कि कहा जाता था स्वतंत्रता में शिक्षण यानी कि टीचिंग इन फ्रीडम नाम का जो पैक्ट था, उसमें साइन किया गया था इस दिन. और 2018 की जो थीम है गाइस इस दिन की वो है द राइट टू एजुकेशन मींस द राइट टू क्वालिफाइड, यानी कि शिक्षा का अधिकार अर्थात एक योग्य शिक्षक का अधिकार है. और हर साल गाइस यूनेस्को जो है इस दिन को टीचिंग प्रोफेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इसे सेलिब्रेट करता है. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गेट द नेशनल सेफ्टी अवार्ड फॉर द ईयर 2016.
तो 2016 के लिए किस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नेशनल सेफ्टी अवार्ड से नवाजा गया है? एंड गाइस, करेक्ट आंसर इज मारुति सुजुकी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मारुति सुजुकी को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार यानी कि नेशनल सेफ्टी ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया है गाइज। और यह पुरस्कार 2016 के लिए ऑटोमोबाइल श्रेणी में औद्योगिकी सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। और ये अवार्ड जो है गाइज, ये हर साल दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो सेफ्टी को लेके जो परफॉर्मेंस है उसके लिए दिया जाता है ये अवार्ड हर साल। और गाइज, मारुति सुजुकी जो है वो 3 स्तरीय, 3 टायर यानी कि 3 लेवल की सुरक्षा जो प्रणाली है उसने उसका विकास किया है, उसको डेवलप किया है, और इसी के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट? तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किन्हें अपॉइंट किया गया है? एंड गाइज, करेक्ट आंसर इज जस्टिस सूर्यकांत। तो गाइज, जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और अप्रैल 2017 में जो न्यायमूर्ति एम ए मीर हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति यानी कि वो उनके रिटायरमेंट के बाद जो उच्च न्यायालय था तो वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की जो जगह थी वो खाली हो गई थी। तो अब उस जगह पे जस्टिस सूर्यकांत जी को अपॉइंट किया गया है। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं गाइज, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और कानून संघों से जुड़े हैं और उन्हें एक भावुक पर्यावरणविद यानी कि पैशनेट इन्वायरमेंटलिस्ट भी कहा जाता है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वॉज नेम्ड इंडियाज वेल्दीएस्ट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एनुअल इंडियाज रिचेस्ट 2018 लिस्ट? तो फोर्ब्स की जो सालाना इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट जो है, तो 2018 की लिस्ट में किस शख्स को भारत का सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन माना गया है? एंड गाइस, करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस, फोर्ब्स की जो एनुअल इंडिया रिचेस्ट 2018 की जो लिस्ट है उसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी को भारत का सबसे धनी व्यक्ति कहा गया है। और वो जो हैं गाइज, वो लगातार 11वें वर्ष में उन्हें सबसे धनी व्यक्ति कहा गया है हिंदुस्तान का। और उनकी जो वर्थ है गाइज, उनकी जो नेटवर्थ है गाइज, वो है 47.3 बिलियन डॉलर। और वहीं पे विप्रो के अजीम प्रेम जी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है 21 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ। और जो पेटीएम फाउंडर विजय शेखर हैं गाइज, तो उन्हें इस वर्ष उल्लेखनीय उन्होंने तो गाइज उन्होंने इस साल की लिस्ट में एक बहुत ही कंसिडरेबल ग्रोथ जो है उन्होंने हासिल की है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डस 2018 समर यूथ ओलंपिक गेम्स बिगिन? तो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का जो तीसरा संस्करण है वो कहाँ शुरू हुआ? एंड गाइज, इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइज, जो थर्ड एडिशन है समर यूथ ओलंपिक का, वो 6 अक्टूबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में उसका उद्घाटन किया गया। और ये कार्यक्रम जो है गाइज, वो 18 अक्टूबर 2018 को समाप्त होगा। और ऐसा पहली बार है कि जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल हैं एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। और पिछले दो ग्रीष्मकालीन यानी कि पिछले दो, इसके पहले जो कि जो दो खेल थे, समर इवेंट थे, वो सिंगापुर में हुआ था 2010 में और नानजिंग, चाइना के नानजिंग में हुआ था 2014 में। तो आगे बढ़ते हैं हमारी अगले सवाल की ओर। एंड गाइज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी सेटअप? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? एंड गाइस, करेक्ट आंसर इज पटना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये घोषणा की है गाइस कि पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। और विश्वविद्यालय परिसर में 28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के केंद्र विकसित किया जाएगा, अनुमानित लागत के साथ एक केंद्र विकसित किया जाएगा। और राज्य सरकार गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए 5 अक्टूबर को बिहार में डॉल्फिन डे के रूप में भी मनाएगी।
तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ IDBI बैंक. तो IDBI बैंक का नया हेड किन्हें अपॉइंट किया गया है. एंड गाइज करेक्ट आंसर इज राकेश शर्मा. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइज सरकार ने कैनरा बैंक के पूर्व प्रबंधक और निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा को IDBI बैंक का हेड अपॉइंट किया है. प्रमुख उन्हें नियुक्त किया गया है और यह निर्णय सितंबर 2018 में IDBI बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बी श्रीराम के कार्यकाल की समाप्ति के बाद लिया गया है. और गाइस शर्मा को 6 महीने की अवधि के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया है. और शर्मा जो है गाइस वो 2015 में निजी क्षेत्र से जो बड़े राज्य संचालित बैंक हैं उनका नेतृत्व करने वाले कुछ बैंकरों में से एक थे. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज इंडियाज फर्स्ट मीथेनॉल कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड. तो भारत का पहला जो मीथेनॉल कुकिंग प्रोग्राम है यानी कि मीथेनॉल कला ईंधन कार्यक्रम उसकी शुरुआत कहाँ हुई. एंड गाइज इसका करेक्ट आंसर है असम. तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइज नॉर्थ ईस्ट और असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने एशिया की पहली कैनिस्टर बेस्ड और भारत का पहला मीथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम शुरू किया है, उसे लॉन्च किया है. और असम पेट्रो कॉम्प्लेक्स के अंदर गाइस 500 घर वाली पायलट परियोजना होगी. और यह तकनीकी जो है यह मीथेनॉल को बेहद सुरक्षित रूप से संभालती है और इसमें नियामक या किसी भी पाइपिंग प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती. किसी भी पाइप का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है. और गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो ऋतु बोर्दोलोई हैं वो मीथेनॉल द्वारा उत्पादित खाना पकाने के स्टोव की भारत की पहली महिला बन चुकी हैं. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ ICICI बैंक. तो ICICI बैंक का नया CEO किन्हें अपॉइंट किया गया है. एंड गाइज करेक्ट आंसर इज संदीप बख्शी. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइज अभी एक खबर आई थी कि चंदा कोचर ने एक पूर्व रिटायरमेंट ले लिया था एज ICICI बैंक के CEO से. तो चंदा कोचर द्वारा बैंक के रिटायरमेंट के बाद समय से पहले उन्होंने जो रिटायरमेंट लिया था तो उसके बाद ICICI बैंक ने संदीप बख्शी को अपने बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है. और संदीप बख्शी जो हैं गाइज वो ICICI बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और उन्होंने ICICI के बीमा कॉरपोरेट और उधार देने के व्यवसाय की देखभाल की है. और वह 1986 में उन्होंने ICICI ग्रुप को ज्वाइन किया था. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वॉन अंडर 19 एशिया कप 2018 टाइटल. तो जो अभी अंडर 19 का जो एशिया कप हुआ था तो उसे किसने जीता है. एंड गाइस करेक्ट आंसर इज इंडिया. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइस जो ढाका में अंडर 19 एशिया कप हुआ है तो उसको भारत ने श्रीलंका को 144 रन से हराकर वो खिताब जीत लिया है. और भारत एशिया कप के इतिहास में 6 खिताब जीतने वाली सबसे सफल टीम बन गई है. और भारतीय गेंदबाज हर्ष त्यागी ने शेर बंगाल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है. और वहीं पे गाइज इंडियन ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 318 रन बना के मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है. तो आगे बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया स्किल 2018 कंक्लूडेड. यानी कि इंडिया स्किल 2018 का जो दूसरा संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित हुआ. एंड गाइज करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो गाइज न्यू दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता यानी कि इंडिया स्किल 2018 का आयोजन हुआ. और यह कौशल विकास मंत्री द्वारा आयोजित किया गया. और ये गाइस जो राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है यानी कि जो नेशन वाइड कंपटीशन है ये उसका दूसरा या उसका सेकेंड एडिशन है. और यह कार्यक्रम जो है वो विभिन्न कौशलों में प्रतिभा की पहचान, इसके प्रचार और इसे मान्यता एवं पुरस्कार देने के लिए आयोजित किया गया था. और इस कार्यक्रम के कुछ विजेता जो हैं वो 2019 में जो रूस में 45वें जो विश्व कौशल प्रतियोगिता होगी यानी कि जो 45th वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन जो होगा रशिया 2019 में, तो यहाँ के कुछ विनर्स जो हैं वहाँ उस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डज वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड. तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है. एंड गाइज करेक्ट आंसर इज 9th अक्टूबर
तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई की गई थी। और कई देशों में पोस्ट जो है वो नए डाक के जो प्रोडक्ट हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको पेश करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करता है। और इसे 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीओ कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एंड गाइज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम SC/ST बैकग्राउंड। तो SC/ST बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए और उनको पहचान देने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, तो उस स्कीम का क्या नाम है? एंड गाइज, करेक्ट आंसर इज उन्नति। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइज, कर्नाटक के सामाजिक कल्याण मंत्री प्रियांक खड़गे ने उन्नति योजना को लॉन्च किया है। और यह योजना जो है गाइज वो SC/ST बैकग्राउंड से जो बिलोंग कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए है। और गवर्नमेंट जो है गाइज 20 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करेगी जो भी स्टार्टअप होंगे उनके, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करेगी। और इसमें जो भी एंटरप्रेन्योर गाइस जो जीतेगा, जो भी मतलब कि टेक बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करेगा, तो ये डिपार्टमेंट उन्हें 50 लाख रुपए तक का विनिंग अमाउंट देगा। तो गाइस, दिस इज इट। ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें। और गाइस, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल BBoard को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो गाइज, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे वीकली करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।